31 देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों के कोसाइन अपने सम्मुख भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती हो तो दिखाइए कि त्रिभुज या तो समद्विबाहु होगा या समकोणीय होगा, यानी कि या समकोण त्रिभुज होगा या समद्विबाहु होगा, ये आपको दिखाना है। तो क्या कह रहा है, दो कोण, तो हम ए और बी कोण ले लेते हैं। तो अगर यहाँ कॉस ए लेंगे तो इसके साथ बी वाला लेंगे, क्योंकि कह रहा है ना व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पे मान लीजिए कॉस बी लेते हैं तो यहाँ आपको ए लेना होगा, है ना। वही कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज के दो कोणों, दो कोण ए और बी है ना, अपने सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाएं इसका बी का बी होगा और ए का ए होगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसके बट्टा में ए चल जाएगा, इसके बट्टा में ए चल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ए कॉस ए बराबर आ जाएगा बी कॉस बी, ठीक है, समझ रहे ना। अब चूंकि आप पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं, याद है ना आपको, क्या बताया गया है कि ए बट्टा साइन ए, बी बट्टा साइन बी और सी बट्टा साइन सी, ये बराबर होता है। हम इसको के मान लेते हैं, यहाँ माना लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा साइन ए के साइन ए, है ना, और बी का वैल्यू आ जाएगा के साइन बी, और सी का वैल्यू आ जाएगा के साइन सी, ठीक है। तो यहां रख देते हैं एक जगह पे के साइन ए कॉस ए बराबर के साइन बी कॉस बी, ठीक है, के और के काट दीजिए, अब दोनों में दो से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, टू साइन ए कॉस ए टू साइन बी कॉस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन टू ए का, और इधर हो जाना है साइन टू बी का, एक तरफ करते हैं साइन टू ए माइनस साइन टू बी बराबर में जीरो। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि टू ए प्लस टू बी बाई टू, और साइन टू ए माइनस टू बी बाई टू बराबर जीरो। यहाँ से टू कॉमन करके टू कट जाएगा, इसको लीजिए भाग में, तो बच जाएगा कॉस, या ए प्लस बी बच जाएगा, या तो ये टू कॉमन करके टू से टू कर देंगे, इसको तो हटा ही दिए उधर ले जाके, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अलग अलग करते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर जीरो, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर जीरो। चलिए, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में जीरो कितना का होता है, 90 का ना, तो कॉस 90 यानी ए प्लस बी बराबर 90 आ गया, और यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर साइन जीरो का ही होता है ये, यानी कि ए माइनस बी बराबर आ गया जीरो, यानी कि ए बराबर बी, दो गो कोण बराबर हो गया। या यहाँ देख रहे हैं कि जब ये दो गो कोण का योग 90 है तो तीसरा तो 90 हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का योग तो 180 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, इसको 90 रख दीजिएगा तो सी 90 नहीं निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से ये पता हो गया कि या तो वो समकोण होगा या समद्विबाहु होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन एक दो दिए हैं, अब सब बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जा रहा है, अब देखिए बहुत ज्यादा पार्ट्स होते जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम कितने सारे बता चुके हैं।